हेलो फ्रेंड्स, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 फॉर्म फिल हो गए, एग्जाम भी आ गया है कि नवंबर मिड से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारे साथी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कॉल ना करें कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मेरी तैयारी नहीं हो रही है। देखिए, तैयारी आपको करनी है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए कि मुझे इतना पढ़ना है। अभी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह आपके चालू नहीं है, आप घर पे पढ़ रहे हैं। कुछ हमारे साथियों को ये डाउट होता है कि मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, पढ़ना आपको है, वर्दी आपको पहननी है, किसी टीचर ने वर्दी नहीं पहननी है या मुझे वर्दी नहीं पहननी है, वर्दी आपको पहननी है। अब कैसे पढ़ना है ये आपको आपको तय करना है, क्या पढ़ना है ये हम बता सकते हैं आपको, कितना पढ़ना है ये भी आपको ही तय करना है। बॉर्डर सीरीज इसके लिए हमने स्टार्ट किया है आपके लिए, ₹1 में 100 क्वेश्चन का जो पेपर है आपका वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको टोटल उसके लिए पे करना है ₹1.03। वो ऐप पर अवेलेबल है, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन। जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। कुछ हमारे साथी जो है वो कहते हैं कि उसमें क्वेश्चन जो है वो उनका लेवल, देखिए लेवल जो है वो आपको ऐसा लेवल ला देंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, वो अभी तो तीसरा पेपर आज लोड होगा, आपके एग्जाम होने तक 100 क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के जो हमारे साथी हैं उनको भी मैं आगाह करना चाहूंगा कि आपका भी एग्जाम कभी भी आ सकता है, 28 डेज के नोटिस पे आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि पहले एग्जाम होगा टेक्निकल वालों का, तो अभी हल्के में ना लें। और दिनों दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है कि पिछली भर्ती ने कितने आवेदन किए थे, अब कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ रहेगा या मैं कितना मार्क्स ले लेता हूं तो मैं सुरक्षित हूं। देखिए, आप 100 नंबर की तैयारी कीजिए, आप कितना मार्क्स लेने पर मैं सुरक्षित हूं। राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान में पिछली बार 87 पे भर्ती हुए थे लास्ट, तो इस बार आप कितना बढ़ाना है आप खुद समझ सकते हैं कि वैकेंसी तो जस्ट आधी हो गई है। क्या CRPF की वैकेंसी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, CRPF की एक वैकेंसी नहीं आएगी, मैं आज बता देता हूँ। CRPF का 0 वैकेंसी है, क्योंकि CRPF का कैडर रिव्यू हुआ था और उसमें वैकेंसीज उनकी कम हो गई। इसके साथ ही CRPF और जो दूसरा हमारा CAPF है, आसाम राइफल और CISF को छोड़कर, उनके रिक्रूटमेंट का एज अगस्त 2019 से 3 साल बढ़ गया है, तो उस 3 साल की अवधि में उनकी वैकेंसी तो ऑलरेडी कम हो गई। और यही वजह है कि SSC कांस्टेबल GD 2021 में वैकेंसी बिल्कुल आधी होगी। क्या CRPF की वैकेंसी नहीं होगी? CRPF की वैकेंसी की उम्मीद छोड़ दीजिए, भर्ती होने के लिए कितनी वैकेंसी चाहिए? आपको एक वैकेंसी चाहिए भर्ती होने के लिए, वैकेंसी तो बहुत कम है, आपको तो एक चाहिए। यदि एक है तो 100 नंबर की तैयारी करो। बॉर्डर सीरीज कैसे मिलेगा? गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर बॉर्डर सीरीज अवेलेबल है, उसको पढ़िए, जो आपको मिलता है वो पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ले सकते हैं वो लीजिए। और तैयारी, कितना स्कोर करना है? मुझे 100 में से 100 स्कोर करना है, असंभव कुछ नहीं है। जय हिंद।